बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर तरीके से होंगे। जिस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो मेरे दोस्तों और प्यारे भाइयों, मुझे इस महीने का रूम का रेंट यानी कितना मेरा खर्चा आया, उसके बाद बिजली का बिल, खाने के पैसे नहीं बताऊँगा मैं, खाने के पैसे आपके साथ बाद में किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन सऊदी अरेबिया के अंदर हमारा कितना खर्चा आता है, एक आदमी का कितना खर्चा हो जाता है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। मेरे सिर्फ अकेले का खर्चा सिर्फ बिजली का बिल और रूम का रेंट, हम एक रूम के अंदर तीन आदमी रहते हैं, जिसका बिल आया 270 रियाल। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि 270 रियाल बिजली का बिल आया हम तीन आदमियों को। उसके बाद हमारे रूम का रेंट है 300 रियाल, यानी रूम का रेंट और बिजली का बिल यानी सेम, सिर्फ 30 रियाल का फ़र्क है। आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि इतना बिल आता है। एक छोटा सा रूम है, हम सिर्फ तीन आदमी रहते हैं, ज़्यादा आदमी नहीं रहते क्योंकि मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं चाहिए, इसलिए हम तीन आदमी रहते हैं, तो इतना खर्चा हो जाता है। आप सोच कर आनंद कि एक आदमी का इतना खर्चा आता है, काम आपके पास है या नहीं है वो बाद की बात है, तो खर्चा जो कि वो आपका इतना आएगा ही आएगा, जो कि आपको इतना 570 रियाल हम पे कर रहे हैं, 570 रियाल तीन आदमी। बिजली का बिल कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है, लेकिन रूम का रेंट जो है वो तो 300 देंगे ही देंगे। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब आदमी के पास काम ना हो तो उसको बिजली का बिल और रूम का रेंट देना पड़े। ये चीज़ें कई हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई हैं जो अपने मुल्क से ला कर देती हैं। अगर आपको काम मिल जाता है, आप कारीगर हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन है, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, आप बड़े सुकून से आप काम करते हैं, आप 200 रियाल एक दिन में कमाते हैं और आपको बिजली का बिल कुछ नहीं कहता। जो मैंने इस महीने बिजली का बिल और साथ रूम का रेंट दिया ना, वो मेरा 200 रियाल मैंने दिया, 200 रियाल एक दिन का पैसा है। खुद ज़रा सोचिए दोस्तों कि इतने पैसे पाकिस्तानी कितने बनते हैं, तकरीबन 15 से 16 हज़ार बनते हैं एक महीने के, मैं यानी अकेला यहाँ पर सिर्फ खाने के लादा मैं पैसे देता हूँ। अगर खाने के पैसे साथ में लाऊँ तो मुझे तकरीबन ये 30 हज़ार से ऊपर पड़ जाता है, यानी खाने के पैसे साथ में मिलाऊँ तो मुझे तकरीबन 30 हज़ार रुपया एक महीने का, 30 से 35 हज़ार रुपये एक महीने का खर्चा आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत मुश्किल है रहना, यानी अगर आपको काम ना मिले तो आपको रहना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए सऊदी अरेबिया के अंदर। तो दोस्तों मैं हूँ इस वक्त मार्केट में आया हुआ, तो आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आप आना चाहते हैं सऊदी अरेबिया के अंदर तो काम सीख कर आएँ, आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, इसके लिए बहुत ही अच्छा मुस्तकबिल बेहतर होगा आपका। अगर आप कारीगर में आएंगे तो, अगर आप आएंगे लेबर में तो आपके लिए बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम होगी। दोस्तों मैं इस वक्त यहाँ पर घूम रहा हूँ, तो यहाँ मिठाई वाली दुकानें हैं यहाँ पर, जो कि पाकिस्तानियों की दुकानें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जलेबी वगैरह की दुकानें हैं। तो दोस्तों मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए मोहम्मद इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।